कहते हैं कि भी अल्लाह बड़ा है, मैं कहता हूं ईश्वर बड़ा है। अब दोनों हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। वो राम के चाहने वाले, राम को मानने वाले भी राम को नहीं जान रहे हैं जी। और जो राम का विरोध करने वाले लोग हैं वो भी राम को नहीं जान रहे हैं। आपके वीडियो के जरिए अरे वह भी गलती में समझते हैं कि इस्लाम राम के खिलाफ है, कृष्ण के खिलाफ है, बोध के खिलाफ है, महावीर के खिलाफ है, गुरु नानक के खिलाफ है। मैं बिल्कुल नाकार रहा हूं, मुझे कहीं इसके सुराग नहीं मिल रहे हैं। समझे था, इस्लाम खिलाफ है जो लोग इन महापुरुषों की मूर्ति बनाकर समाज को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इस्लाम उसके खिलाफ है। जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मूर्ति बना दी जाएगी, इस्लाम उस मूर्ति के भी खिलाफ है, ना कि मोहम्मद के खिलाफ है। जो विचार और जो शिक्षाएं बसी हुई है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, हजरत ईसा का देश है, गुरु नानक का देश है, हजरत मोहम्मद साहब सल्लम का जो देश है, उनकी शिक्षाएं बसी, लेकिन इन्हीं के नाम पर तो हमें बांटा जा रहा है, इन्हीं के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तो इनके नाम पर हम कैसे एक हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या मैसेज देना चाहिए? بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں آج ممبئی کے میرا روڈ علاقے میں ہوں اور ہمارے بیچ میں ہیں مشہور سوشل ورکر اسماعیل باٹلی والا صاحب ان کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر بھی اور ان کے لٹریچر وغیرہ بھی پڑھے ہوں گے ہمیشہ بہت فکر مند رہتے ہیں قوم اور انسانیت کی فلاح اور بھلائی کے لیے اور ان کا ایک جو مشن اور جو مقصد ہے اتحاد وہ خالی مسلمانوں کا اتحاد نہیں تمام لوگوں کا آپسی اتحاد کہ ہم سب آپس کی جو نفرتیں ہیں یہ بھلا کر کے ایک ہو جائیں کہ جو پوتر قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یا الناس اللہ خلقنا کو میں جبریل موسا کہے لوگوں ہم نے تمہیں ایک پرش اور ایک استری سے پیدا کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ خونی رشتے کا بھائی ہے تو یہ فکر اور یہ کڑھن کی ہمیشہ رہتی ہے اس کو لے کر کے جو ہمارے مسلم رہنما ہیں ان کے پاس بھی اکثر یہ آنا جانا لگا رہتا ہے اسد الدین اویسی صاحب ہوں یا پیس پارٹی کے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں ان کے یہاں پر کشمیر سے کنیا کماری تک جتنی بھی مسلم قیادت کی پولیٹیکل پارٹی ہیں سب کے دروازے پہ جی جی تو یہاں میرا ممبئی آنا ہوا تو میں نے کہا کہ اسماعیل بھائی سے ضرور ملاقات ہو तो इनसे मुलाकात थी तो दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना इनके विचार जो है इनके विचारों से आप लोगों को भी रूबरू करवाया जाए तो इस्माइल भाई से जो मेरा सबसे पहला सवाल है सवाल ये है कि असल में आज जो हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच जो बढ़ती नफरत और बढ़ती खाई जो पैदा हो रही है जो दिन ब दिन हालात हमारे और आपके बीच आ रहे हैं इसमें असल इसकी जो है बुनियादी वजह वो है तो है क्या? अब्दुल रहमान साहब पहले तो मैं आपका मुंबई में स्वागत करता हूं और मेरा रोड हमारे घर तक आप आए हमारे विचार जानने के लिए उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चाहने वालों को आपके लीडर को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतनी मेहनत से हम तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। आपका सवाल यह है कि इस देश में जो और मुसलमानों के बीच जो है जो खाई या नफरत बढ़ाई गई है उसके पीछे मकसद क्या है, ये सवाल मुझे उसके पीछे अमीरी और गरीबी ही मकसद, दूसरा कोई मकसद नहीं। एक पूंजीवाद है जो इस देश पर कब्जा करना चाहता है लेकिन उसको जो फाइट दे रहा है वो यहाँ के धर्म दे रहा है। जी जी धर्म जो है उस बुनियाद पर कायम है जियो और जीने दो, लेकिन जो पूंजीवाद है वो इस पॉलिसी के खिलाफ है, वो खुद जीना चाहता है और दूसरों को गुलाम बना के रखना चाहता है। असल प्रॉब्लम इस देश का ये है। शक्लें उसकी मुख्तलिफ होती है, पूंजीवाद बहुत सारी शक्लें अख्तियार करता है, कभी लिबास की शक्ल में, कभी टोपी की शक्ल में, कभी भगवे की शक्ल में, कभी हिरवे की शक्ल में, जब जब जैसे ज़रूरत उसे लगती है कि इससे हमें सफलता मिलेगी वो
पहन लेता है, पहनवा लेता है ऐसे लोगों से, और जो बेकारी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं बेरोजगार ही उनके चंगल में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। जो कोई ना कोई गमछा, कोई रुमाल बांधकर, कोई टोपी या कोई लिबास पहनकर वो सामने आ जाते हैं, वो बच्चे जो है उन्हें पता नहीं है कि असली जंग क्या है इस देश की। असली जंग है पूंजीवाद का और धर्म का। यहाँ पर जितने भी धर्म पाए जाते हैं उनका हमने अध्ययन किया है, उनका मुताला किया है। धर्म की थ्योरी, बुनियादी थ्योरी यही है कि जियो और जीने दो, समझे साहब। और पूंजीवाद को ये पसंद नहीं है, इसलिए पूंजीवाद धर्मों को लड़ा रहा है, वो उसके खिलाफ उकसा रहा है, उसको उसके खिलाफ उकसा रहा है, उसको उसके खिलाफ उकसा रहा है। असल जो जंग है उसको धर्म से है, और पूंजीवाद जो है कई धर्मों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि धर्म आत्मनिर्भरता सिखाता है, खुददारी सिखाता है, क्रांतिकारी बनाता है, और ये तीनों चीजें पूंजीवाद के खिलाफ है। तो असल जंग जो है इस देश के अंदर ये है, इसलिए धर्म के खिलाफ है पूंजीवाद, और पूंजीवाद मुख्तलिफ शक्लों में धार्मिक लोगों को, धार्मिक लिबासों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप लोग आप आत्मनिर्भर ना रहे बल्कि उन पर निर्भर हो जाएं, ये उनकी पॉलिसी है। आप अपना कारखाना ना चलाएं, हम भी एक छोटे कारखाना चला रहे हैं, गोया कि मैं मेरे कारखाने का मालिक हूँ, मतलब मैं वहां का राजा हूँ, समझे ना। मुझ पर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है, लेकिन पूंजीवाद हमारे जैसे लोगों को नष्ट करना चाहता है। वो दो चीज, वो दो लोगों को देखना चाहता है, में एक मालिक रहेगा, दूसरा नौकर रहेगा। मिडिल क्लास के हाथ में जो कारोबार है उसको खत्म करना चाहता है। असल झगड़ा इस देश के अंदर के आपने अभी बीच में कहा कि मैंने धर्म को, धर्म को पढ़ा है, धर्म को मैंने धर्म को पढ़ा। असल में जो पूंजीवाद की जैसे आपने बात की, इसमें भ्रम लोगों के दिमाग के अंदर तभी फैलाया जा सकता है जब लोगों के मन के अंदर अंधकार हो, अज्ञानता हो, और लोग धर्म से जो है, धर्म की वास्तविकता से जो है अनजान हो। आपने कहा कि मैंने धर्म को पढ़ा है, तो क्या धर्म अलग अलग है? क्या लोगों के, हिंदुओं का ईश्वर अलग, मुसलमानों का जो है ईश्वर अलग, और ईसाइयों का ईश्वर अलग अलग है? तो धर्म की वास्तविकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो बेहतर रहेगा। अब्दुल रहमान साहब, आपने बहुत बेहतर सवाल किया है, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, यहाँ मैं दो ही भाषे जानता हूँ, इसलिए दो ही भाषे में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धर्म जो है वो एक ही है, ईश्वर एक है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। जैसे ठीक मैं आम कहता हूं, कोई उसको मैंगो कहता है, कोई अंबा कहता है, जितने भाषाएं हैं उस आम के मुख्तलिफ नाम है, जितने भाषाएं हैं एक ही फल के उतने नाम है। इसी तरह ईश्वर के भी नाम भाषाओं में बांट दिए गए हैं, ईश्वर एक है, और जब ईश्वर एक है तो उसकी पॉलिसी भी एक है, जिसे हम धर्म कहते हैं। हमारी भाषा में जो भाषा हम जानते हैं, दीन फितरत कहते हैं उसे, जो इंसान, जो बच्चा पैदा होने के साथ दीन लाता है वो धर्म लेकर आता है। धर्म जो है आके सीखने की या पढ़ने की चीज नहीं है, ऑलरेडी वो पैदा होने के साथ धर्म लेकर आता है। यही सनातन धर्म भी है, सनातन धर्म भी बच्चा जब पैदा होता है तो सनातन धर्म लेकर आता है, दीन फितरत भी लेकर आता है। लेकिन ये भाषाओं का अंतर है, ये हिंदी में है, वो उर्दू में है, या अरबी में है, या संस्कृत में है, सिर्फ इतना है। हमने जो धर्म का अध्ययन किया, पढ़ने से मुराद मतलब किताबों की मदद तो लेनी पड़ी है, बुजुर्गों की जो यहाँ महापुरुष है उनको पढ़ने की मदद लेनी पड़ी है, लेकिन असल हमने धर्म की खोज की है, जो अपने तरीके से जो भी जैसे समझा, हमने यही पाया है कि धर्म एक ही है, ईश्वर एक है, और जितनी भाषाएं हैं दुनिया के अंदर उन भाषाओं के तहत जो है जाना जाता है। तो
अगर इसमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है या कहीं दिक्कत नजर आ रही है तो ये धर्म की दिक्कत नहीं है, ये भाषाओं की दिक्कत है। आप कहते हैं कि भी अल्लाह बड़ा है, मैं कहता हूँ ईश्वर बड़ा है, अब दोनों हाथापाई करना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ जो खासकर अभी जो चरण है, राम को, राम के चाहने वाले, राम को मानने वाले भी राम को नहीं जान रहे हैं जी, और जो राम का विरोध करने वाले लोग हैं वो भी राम को नहीं जान रहे। आपके वीडियो के जरिए मैं बताना चाहता हूं, राम हमने जो तलाश किया है, राम नाम है ईश्वर का, राम नाम है खुदा का, राम नाम है गॉड का, लेकिन ये तो रामचंद्र जिनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है वो रामचंद्र है। राम और रामचंद्र ये दो लोग हैं, दो 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 नाम है, मैं आपके सामने बताया जा रहा हूं। नाम राम जो है वो ईश्वर का नाम है, और रामचंद्र के नाम से ही पता है कि राम के चांद है, ना कि खुद वो राम है, रामचंद्र नाम है जी जी। इसका अरबी होता है कमरुल्लाह, उसका उर्दू होता है अल्लाह का चांद, उसी का ये हिंदी या संस्कृत कह ले कि रामचंद्र, मतलब वो राम का चांद है, खुद राम नहीं है। और आपको ये भी बता देता हूं कि राम की, रामचंद्र की पूरी जीवनी देखेंगे या जिंदगी नामा देखेंगे या अध्ययन करेंगे, उन्होंने राम की प्रार्थना की है, वंदना की है, उनकी तस्वीर गिनी है, किसी मूर्ति की पूजा उन्होंने नहीं की। लेकिन बदनसीबी यह है कि एक मूर्ति, रामचंद्र की मूर्ति बना करके एक टकसाल बना दिया गया है, एक खजाना बना दिया गया है कि भाई अनदेखे खुदा के नाम पर तो टकसाल चल नहीं सकता है, इसलिए मूर्ति के नाम पर जो है टकसाल चलाए जाते हैं। ये भी आर्थिक मसला है, इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मूर्ति पूजा कराई जाती है, तरह तरह के ढोंग कराए जाते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इस्लाम की बात कर रहा हूं, कि लोग ये समझते हैं या हमारे लोग भी गलती में समझते हैं कि इस्लाम राम के खिलाफ है, कृष्ण के खिलाफ है, बुद्ध के खिलाफ है, महावीर के खिलाफ है, गुरु नानक के खिलाफ है। मैं बिल्कुल नाकार रहा हूं, मुझे कहीं इसके सुराग नहीं मिल रहे हैं, समझेगा। इस्लाम खिलाफ है जो लोग इन महापुरुषों की मूर्ति बनाकर समाज को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इस्लाम उसके खिलाफ है। जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मूर्ति बना दी जाएगी, इस्लाम उस मूर्ति के भी खिलाफ है, ना कि मोहम्मद के खिलाफ है। जी सर जी, असल में अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे देश में जो असल नफरत की जो बुनियाद धर्म को लेकर की जाए, सर सियासत और राजनीति, सियासत और राजनीति को लेकर कि ये लोग जो राजनीति यानी जो नेता लोग हैं और सियासत और राजनीति को हम एक ही समझते हैं, अभी तक हम एक ही समझते हुए आए हैं, तो इस बारे में जानना चाहूंगा कि सियासत और राजनीति ये क्या एक ही चीज है या अलग अलग है कुछ। अब्दुलरहमान साहब, ये भी सवाल बेहतर है। अगर देखेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम है इन्हीं दो शब्दों के, राजनीति के फाउंडर जो है, संस्थापक जो लोग हैं वो राजा महाराजा शहंशाह बादशाह लोग हैं, जिनकी फेहरिस्त आप देखेंगे, सिकंदर हो सकते हैं, नमरूद हो सकते हैं, सद्दाद हो सकते हैं, फिरौन जैसे लोग हो सकते हैं, और यहाँ के भी राजा महाराजा हो सकते हैं। राजनीति की जो बुनियाद डाली है इन लोगों ने डाली है, जिसका नाम से ही पता चलता है, राज करने की नीति, मतलब मुझे आप पर हुकूमत करनी है, और वो आप पर हुकूमत करने के लिए जो भी नीतियां मुझे अपनानी हो, अगर डंडा उठाने की नौबत आती है तो उठाऊंगा, बंदूक उठाने की नौबत आती है तो उठाऊंगा, धोखा देकर अगर आप फंसते होंगे तो करूंगा, आपकी आंखों पर पट्टी डाल करके आप पर काबिज हो सकूंगा तो करूंगा, मतलब साम दान दंड भेद के जरिए आप पर मुझे कंट्रोल करना है, मतलब आप पर मुझे हुकूमत करना है,
ये राजनीति की बुनियाद है। सियासत की बुनियाद हमारे धार्मिक महापुरुषों ने लाया है, जिसे हम अंबिया कह सकते हैं, वली अल्लाह कह सकते हैं, उनकी लाई है। राजनीति जो है आंख पर पट्टी बांध कर आपको अंधेरे में रह करके की जाती है, और सियासत जो है आपकी पट्टी, आंखों की पट्टी खोल कर आपको समझा बुझा कर, आपको पढ़ा लिखा कर, होशियार कर कर हुकूमत की जाती है। ये फर्क है। इस देश के अंदर ये धार्मिक देश है सर। यहाँ मैं कश्मीर से कन्याकुमारी के सारे 100% लोगों की बात कर रहा हूँ। 100% आवाम राजनीति को पसंद नहीं कर रही है, यहाँ की आवाम सियासत को पसंद कर रही है। आप आज के बाद आप अध्ययन करिए, फिर से गहराई से लोगों से सवाल करिए, लोग राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं बल्कि सियासत को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीति और सियासत को हम अभी अलग करके बता नहीं पाए। हमारा लेख है इसके ऊपर, वीडियो है, वो लोगों तक जाना चाहिए तो बड़ी आसानी से लोगों को सियासत और इसमें फर्क समझ में आएगा। आपको उदाहरण देकर ये मैं बता देता हूँ। राजनीति चाहती है पार्लियामेंट जाना, ये बुनियाद है दोनों के फर्क। राजनीति चाहती है, ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाहती है कि आपको पार्लियामेंट भेजा, लेकिन आपको फ्री हैंड छोड़ती है। फ्री हैंड छोड़ती है मतलब आपके रास्ते में अगर कोई गांव अड़चन में आता है तो गांव जला देती है, अगर कुछ भीड़ रास्ते में आपके रुकावट बनती है तो आप जला उनको मार दीजिए, जो भी जंगल पड़ते हैं तो आप उसको खत्म कर दीजिए, वगैरह वगैरह। यानी जो भी आपके रास्ते में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं उन्हें खत्म करते हुए आप पार्लियामेंट पहुंचे। ये राजनीति की बुनियाद है। सियासत ऐसे नहीं करती। सियासत और भी गलती कहती है कि अगर कल तुम्हें पार्लियामेंट पहुंचना है तो कल नहीं आज पहुंचिए, लेकिन कंडीशन आपके साथ डाल देती है। रास्ते में जाते हुए कोई घर नहीं जलना चाहिए, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, कत्ले आम नहीं होना चाहिए, लूटपाट नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी पक्कारी वगैरह इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये फर्क है। तो हमारे देश में ये जो सिस्टम राइज है ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम है। मैं समझता हूँ हमारे देश में जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, इस पॉलिटिकल सिस्टम से, इस विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम से आप व्यवस्था परिवर्तन कर नहीं सकते, कयामत तक नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको सियासी तंजीम बनाना होगा, सियासत का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि ये देश धार्मिक देश है। यहाँ पर अगर कहेंगे कि भी वो फला पार्टी की या फला नेता की सरकारें रही हैं, मैं आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ, आपका जहन खोलना चाहता हूँ, यहाँ पर बौद्ध का विचार चल रहा है, यहाँ पर कृष्ण का विचार चल रहा है, यहाँ पर राम के आदर्श और विचार चल रहे हैं, यहाँ गुरु नानक के विचार चल रहे हैं, यहाँ महावीर के विचार चल रहे हैं, यहाँ हजरत ईसा के विचार चल रहे हैं, यहाँ हजरत मोहम्मद के विचार चल रहे हैं। ये 5-7 शख्सियत जो है यहाँ के जर्रे जर्रे में इनके विचार बसे बसे हैं। असल हुक्मरान अगर देखा जाए, दिलों पर जिनकी हुक्मरानी है वो इन लोगों की है, बाकी तख्त पर बैठने वालों को मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, वो राजनीति के हथकंडे अपना करके, कुछ लालच दे करके, खौफ दिला करके, नफरत करके वो बैठ जाते हैं, लेकिन इस देश में उनकी कोई हुक्मरानी है नहीं, हुक्मरानी इनकी है। और ये सब जो है ये सियासत के पक्षधर है, ये राजनीति के पक्षधर नहीं है। ये सारे लोग जो है राजनीति के खिलाफ रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, इनकी जीवनी देख लीजिए, राजनीति के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी है, इसीलिए दुनिया इनकी। आपने अभी कहा, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है आपसे,
कि इस देश की जो मिट्टी में जो विचार और जो शिक्षाएं बसी हुई हैं, राम का देश है, कृष्ण का देश है, हजरत ईसा का देश है, गुरु नानक का देश है, हजरत मोहम्मद साहब सल्लम का जो देश है, उनकी शिक्षाएं बसी हुई, लेकिन इन्हीं के नाम पर तो हमें बांटा जा रहा है, इन्हीं के नाम पर लड़ाया जा रहा है, तो इनके नाम पर हम कैसे एक हो सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है, क्या महसूस करना चाहिए? ये एक बड़ा मसला है। कौन लड़ाता है? देखिए, जो मजदूरी करके अपने घर चलाता है वो नहीं लड़ाता, जो किसानी करके घर चलाता है, जो कारीगरी करके चलाता है, जो छोटे छोटे दुकान चला रख करके अपनी जीविका, जो हलाल रोजी तलाश करने के जिसके पास सोर्सेस है, जो हलाल रोजी कमा रहा है और अपना घर चला रहा है, वो इस फितने में नहीं है। ये फितना वो लोग फैला रहे हैं जिनको खेती करना नहीं आता, जिनको कारखाना चलाना नहीं आता, जिनको व्यापार करना नहीं आता, जिनको मजदूरी करना नहीं आता, वगैरह वगैरह, जिनको रोजगार करना पसीने बहाकर अपनी रोजी हासिल करके अपना घर संसार चलाना नहीं आता है, वो लोग इसी धर्म का शिकार करते हैं और इन्हीं महापुरुषों के नाम पर ठगते रहते हैं। कोई उनके नाम से ठग रहा, कोई उनके नाम से। जी, जज़ाकअल्लाह खैर इस्माइल भाई, और असल में बहुत अच्छा मैसेज दिया और हम सबको इनकी बताई बातों पर विचार करना चाहिए कि असल में देश में एकता और अखंडता जो है तभी कायम हो सकती है, क्योंकि सदियों से इस मुल्क में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलते जुलते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है हमारे बीच दूरियां बढ़ रही है और दूरियां बढ़ाने की जो मुख्य वजह है वो धर्म को बताई जा रही है, लेकिन असल में हमारी और आपकी अज्ञानता है। हमने ईश्वर को बांट दिया, हमने धर्म को बांट दिया और हमने महापुरुषों की शिक्षाओं को बांट दिया। ये हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है। आज हमारी धार्मिक ग्रंथों से बढ़ती दूरियां ही हमारी नफरत की जो है ये असल वजह है, वरना अगर हम वेदों को देखेंगे तो ब्रह्मसूत्र एकम ब्रह्म द्वैतानाथ नैनानाथ किंचन वही अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह वही सही कहती है गॉड इज वन, तो हम सबकी जो मूल शिक्षाएं वो एक है। यानी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।